वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। देख सकते हैं कि आज पीपीएससी से रिजल्ट आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च माध्यमिक यानी क्लास 11 12th का पॉलिटिकल साइंस का फाइनल रिजल्ट आ गया, अकाउंटेंसी का रिजल्ट, ज्योग्राफी का रिजल्ट, तो लगातार रिजल्ट आ रहे हैं। खबर है कि आज उच्च माध्यमिक के रिजल्ट सारे जारी कर दिए जाएंगे और जो बचे हुए अन्य रिजल्ट हैं वो भी आज आएगा। प्राथमिक का रिजल्ट आज नहीं आ रहा है, प्राथमिक का रिजल्ट कल आएगा। प्राथमिक वाले आज परेशान ना हों और आज जिन भी विषयों का रिजल्ट रह जाता है, बच जाता है उच्च माध्यमिक वगैरह के, वो कल जारी कर दिए जाएंगे। बीपीएससी का कोशिश है कि कल तक सारे रिजल्ट वो दे दें। इसी बीच एक और अपडेट है नियोजित शिक्षकों से संबंधित। नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है वो कैबिनेट से आज पास हो गया है। उनको सक्षमता परीक्षा पास करके राज्यकर्मी बना दिया जाएगा और उन्हें विशिष्ट शिक्षक ना कह के सहायक शिक्षक ही कहा जाएगा। ये काफ़ी मांग हो रही थी नियोजित शिक्षकों के द्वारा कि विशिष्ट शिक्षक का जो लेवल है वो हटाया जाए, उनको अब सहायक शिक्षक कहा जाएगा। तो ये मांग नियोजित शिक्षकों की पूरी कर ली गई है, तो बहुत बड़ी राहत की खबर है सभी नियोजित शिक्षकों के लिए। और जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को पास नहीं कर पाता है तीनों बार में, उस पर फैसला सरकार बाद में करेगी। साथ ही साथ बीपीएससी से अगली शिक्षक भर्ती की खबर अब पक्का हो गई है। इसमें 1 to 12th सभी पद होंगे। फिलहाल खबर है 50,000 के आसपास पदों की संख्या, लेकिन अभी ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। फाइनल जब ये भर्तियां जो वर्तमान में चल रही हैं पूरी हो जाएंगी, उसके बाद रिक्तियां मंगाई जाएंगी, अध्याचन फाइनल इकट्ठा होगा, उसमें देखा जाएगा कि कितने पद टोटल मिले हैं। उस पर फिर से एक भर्ती निकाली जाएगी, मई जून तक विज्ञापन निकल जाएगा और अगस्त लास्ट वीक तक उसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो जो भी छात्र TRE 1 TRE 2 में सेलेक्ट नहीं हो पाए, आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। 7-8 महीने आपके पास हैं, लगकर तैयारी करके अगले एग्ज़ाम में अपनी एक सीट को पक्का कर लीजिए। बाकी अगर कोई अपडेट कोई जानकारी निकलती है तो सूचना आपको दिया जाएगा। जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।